क्या आप भी जो भी अभी में यूज़ होने वाले टूल्स को मोबाइल पर यूज़ करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट का फ्री में डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, उसकी ट्रैफिक वगैरह चेक कर सकें? तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्कनन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने इस चैनल पर जीबीओबी मोबाइल वर्जन का कोर्स इस चैनल पर लॉन्च किया है, जिसमें मैंने पहले लेक्चर का आगाज़ किया था और कुछ बेसिक चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी। और मैंने कहा भी था कि जिन लोगों ने जीबीओबी का कम्प्लीट कोर्स नहीं सीखा तो काइंडली वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सीख सकते हैं, उसके बाद ही उनको इन सारी वीडियोज़ समझ आएगी। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो थोड़ा सा लेंथी हो गया था। शुरू में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। कभी कभार मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, किसी ना किसी तरह से उनको मोटिवेट करना पड़ता है। और मेरी भी वीडियो कुछ इसी वजह से लेंथी हो गई थी, यानी कि 7 से 8 मिनट तक जा चुकी थी। शुरू में जो मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने कोई भी काम नहीं करवाया, तो इस सूरत में बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां दी। वो गालियां तो खैर मैंने डिलीट कर दी। यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही तो काइंडली वो स्किप कर सकता है, छोड़ सकता है। ये गालियां निकालने का क्या मकसद है? अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो मत देखिए। मैंने कौन सा आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रखा कि प्लीज प्लीज मेरी वीडियो आकर देखो? आप लोग खुद सर्च करते हो, खुद सर्च करके मेरी वीडियोस तक पहुंचते हो, उसके बाद आके फिर गाली ग्लोज करते हो। ये तो कोई अखलाकन हरकत नहीं है। काइंडली इन चीजों से परहेज किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती या आप मेरे कॉन्टेंट को अच्छा नहीं समझते तो काइंडली आप मेरे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर दें। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो कि आप लोगों के सामने शो नहीं होते, क्योंकि मैंने प्राइवेसी लगा रखी है, इस वजह से आप लोगों को शो नहीं होते। लेकिन मैं पीछे देख रहा होता हूँ बहुत सारे लोग जो गालियां निकाल रहे होते हैं। काइंडली ऐसी चीजें ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करें और जाएं मेरे चैनल से, अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं आप जैसे लोगों की। मेरे व्यूवर जो हैं वो मुझे देख रहे हैं, काफ़ी देर से देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं कैसा कंटेंट लेकर आता हूँ। तो आज की वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी होगी, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ें देख रहा था कमेंट्स वगैरह, तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान था। मैंने कहा नहीं, आज की जो वीडियो है इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दूँ। तो हम बिना किसी देरी के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इससे अच्छा खासा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप ओपन कर रखा है। आपने एज इट इज इसी चीज को फॉलो करना है अपने मोबाइल पर। तो आपने सारी सर्चिज मोबाइल पर करनी है, वहां पे आपने इस सारे मेथड को फॉलो करके अपना जो काम है वो कर लेना है। आप लोगों ने सबसे पहले सर्च करना है फ्री ऑनलाइन PADA चेकर या DAPA चेकर, जैसे भी आपने करना है इसको लिख लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप गूगल पर आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक वेबसाइट मिलती है, वेबसाइट SEOchecker.com के नाम से। आप अगर इसको भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड आपको सेकंड वाली जो वेबसाइट शो हो रही वो ही आपको बताऊँगा, यानी कि आपको रेकमेंड करूँगा। आप लोगों ने क्या करना है, हो सकता फर्स्ट में भी शो हो जाए या सेकेंड में शो हो या थर्ड पर शो हो, जहाँ पर भी आपको शो हो, तो आप लोगों ने क्या करना है इसको ओपन कर लेना। smallseotools.com के नाम से है, डोमेन अथॉरिटी चेकर यानी कि मोस्ट DAPA, यानी कि थ्रू जो मोस्ट DAPA हमें बताता है ना, उसके एज इट इज़ हमें ये शो करवाता सब कुछ। तो हमने क्या करना है, हमने इसको ओपन कर लेना न्यू टैब में। अब जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये शो करवा रहा है कि इंटर अप टू 10 URLs। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आप लोग बसानी इस लिंक को ओपन करके इसे डोमेन और पेज अथॉरिटी जो इसलिए आप चेक कर लो। तो आप लोगों ने क्या करना, तो आप लोगों ने यहाँ पर एक वेबसाइट का URL पेस्ट कर देना। मैंने इसी वेबसाइट का उठा के पेस्ट कर दी, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ ये वेबसाइट किस तरह से काम करता है, ये जो इन्होंने यहाँ पर टूल मैंशन कर रखा। तो यहाँ से आपने चेक अथॉरिटी करनी है। जैसे चेक अथॉरिटी करोगे तो उसके बाद ये पूछ सकता है, कैप्चा जो है ज़्यादातर पूछता नहीं, लेकिन कभी कभार ही आप लोगों से कैप्चा पूछता है। तो आप लोगों ने इस कैप्चे को कर लेना है फिल, और फिल करने के बाद आप लोगों ने वेरीफाई कर देना है। अब जैसे वेरीफाई करोगे तो सारे के सारा रिजल्ट जो हमें ये शो करवा देगा कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। तो यहाँ पर देखें इसने हमें यहाँ पर देखें जिसने हमें रिजल्ट शो करवा दिया है। डोमेन ये देखें, इसी वेबसाइट की हमने डोमेन रखी थी, उसके बाद DAS का बता रहा है, उसके बाद PA बता रहा है, ठीक है, उसके बाद MR बता रहा है, IP एड्रेस इसने बता दिया, उसके बाद लिंकिंग डोमेन के कितने जो लिंक्स हैं इन लोगों ने अब तक जो यानी कि वो लगा रखे हैं, सारा कुछ जो यानी कि बता रहा है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग फ़र्ज करें आप चाह रहे हैं कि हमने जो DR है हमने उसको चेक करना है, तो DR चेक करने के लिए आपने बिल्कुल सेम मेथड को ही अप्लाई करना है। आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने सेम मेथड फॉलो करना है, फ्री ऑनलाइन DR चेकर। आप जैसे इसको सर्च करते हो तो इस बार हमें फर्स्ट में ही इनका टूल जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वही सेम मेथड फॉलो करके आपने इनकी जो वेबसाइट है उसको कर लेना ओपन। आप लोग जैसे इनकी वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपके सामने जो है
वही सेम प्रोसीजर आ जाएगा जो कि प्रीवियस डोमेन और पेज अथॉरिटी में आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो यूआरएल उसको पेस्ट करके यहाँ पे कैप्चा फिल करना, उसके बाद आप चेक रेटिंग इसकी कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन रेटिंग वही आपने सेम मेथड फॉलो करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो मेरी जो है ज़्यादा लेंथी ना, इसलिए जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत लेंथी वीडियो देखने को ना मिले। उसके बाद हम आ जाएंगे जी फ्री ऑनलाइन ट्रैफिक चेकर। हमने यानी कि किसी भी वेबसाइट की अगर ट्रैफिक चेक करनी है तो हमने इसी टूल का यूज़ करना है। अगर आप वैसे सर्च करोगे फ्री ऑनलाइन ट्रैफिक चेक कर, तो ये कह लें कि आपको यहाँ पे ये वाली वेबसाइट शो नहीं करवाएगा स्माल एसईओ टूल्स। अगर करवाएगा भी तो बहुत आगे जाके करवाएगा, लेकिन आप लोगों ने लिख लेना फ्री ऑनलाइन ट्रैफिक चेकर, उसके बाद आप लोगों ने लिख लेना साथ में स्माल एसईओ टूल्स। आप जैसे लिखोगे तो फर्स्ट में ही आपको इनकी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको न्यू टैब में कर लेना है जी ओपन। तो जैसे ही आप इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इंटर यूआरएल जहाँ पे बोल रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसी वेबसाइट को उठा के बेशक चेक कर ले, आप यानी कि ट्रायल लेने के लिए कर सकते हैं। ये फ्री में आप जितनी चाहिए आप चेक कर लें, कोई इशू नहीं है इस वेबसाइट का। तो आप लोगों ने ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे वेबसाइट को मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से चेक टू मेन ओवरव्यू करना। जैसे आप करोगे तो नीचे इसका रिजल्ट हमें शो हो रहा है। ये लोकेशन देखें यूएस की बता रहा है, उसके बाद डोमेन नेम बता रहा है, उसके बाद इसका रैंक बता रहा है, अलेक्सा रैंक जो होता है, अमेज़न रैंक जो यहाँ पे शो होता है मोस्टली। अब देख लेते हैं कितना डिफरेंस ये हमें बता रहा है। यहाँ पे आप देखें इसका जो सैमरिश रैंक है वो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे ठीक बता रहेगा एस्टिमेट के हिसाब से। यहाँ पे सैमरिश रैंक है इसका, आप देख सकते हैं कि हमें सैमरिश रैंक यहाँ पे बता रहा है। तो आप लोग इसका सैमरिश रैंक भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बता रहा है जो कि आज तक इन्होंने यूज़ किए हैं, या ये कीवर्ड यूज़ करके इन्होंने ट्रैफिक लिए। उसके बाद ये ऑर्गेनिक यहाँ पे देखें ट्रैफिक इसकी शो करवा रहा है। अगर आप मोर पर जाके और कुछ चेक करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एडवर्ड्स ट्रैफिक यहाँ पे बता रहा है, एडवर्ड्स कोस्ट उसके बाद बता रहा है, उसके बाद ऑर्गेनिक कोस्ट यानी कि जो सारी यहाँ पे हमें मेंशन हो रही है वो भी उन्होंने मेंशन कर रखी। यानी कि फ्री में ये जो वेबसाइट है ये बहुत सारे टूल्स हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें क्या यानी कि डिफरेंट जो सर्च करके इस वेबसाइट तक हमें पहुँचना पड़ता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग फ्री में वेबसाइट की ट्रैफिक चेक कर सकें, डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकें, उसके बाद अब डोमेन रेटिंग चेक कर सकें। क्योंकि आप लोग मार्केट में आए हो नए नए काम करने के लिए, तो हर बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता टूल्स को, बाय नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों के लिए फ्री टूल जो हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं, ताकि आप लोग इजीली इन पर काम करके अपना जो वर्क है स्मार्टली कर सको। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।